बीबी जी तुम माण बधाया राइजिंग पंजाब के मंच से आए हो तो अच गल राइजिंग पंजाब की हो रही है, पंजाब के भविख की हो रही है। पंजाब दे विच इस वेले सत्ता च भी तुहाडी पार्टी है, तुसी खुद मुख्यमंत्री रहे हो, अज पंजाब नू कित्थे कि देखदे हो और की लगदा है कि पंजाब दा भविख की होएगा? बीबी जी माइक लै लो। जो साडा पंजाब पंजां दरियावां दी आप गिणिया जांदा सी, अज जो पंजाब भावें उह वड्डा मामला है तिन आप रह गए और उहदे विचों भी मैं समझदी हां कि जो कदरां ते कीमतां पंजाब दीआं, पंजाब दी धरती दीआं, पंजाब दे नौजवानां दीआं, पंजाब दे राष्ट्रीय लोकां दीआं सी, उह काफ़ी डाउन आईआं इस समें विच। बहुत सारे नुकसान आए हैं, बहुत सारियां कमियां रही हैं, बहुत सारी साडे मैं समझदी हां कि पोलीटिकल सारे नॉट ओनली कि एक मेरी पार्टी जां तेरी पार्टी च, इन जनरल पॉलिटिक्स दे विच थोड़ी गिरावट आई है। उहदे विच सिर्फ ते सिर्फ असीं अजकल वादियां दा ही एक चिट्ठा बना के रखे है कि वादे करो, गल्लां करो, लोकां नूं गुमराह करो। यही कारण है कि अज तुसीं देखिया हो, कदे नहीं होया, किसी भी मुल्क च नहीं होया, इत्थे भी नहीं होया कि प्राइम मिनिस्टर दी अनाउंसमेंट नूं उत्ते कोई विश्वास ना करे कि लिखती आवे, पास होके आवे पार्लीमेंट चों, राष्ट्रपति दस्तखत होके आउण, प्राइम मिनिस्टर दे लफ्ज़ दी वैल्यू कोई नहीं। तुहानूं उदों लग्या कि हाँ किसान जिहड़े ने विश्वास नहीं करनगे, ये लिखती तौर ते मंगणगे? नहीं, ये लग्या नहीं, ये है, ये है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपना विश्वास गवा लिया। अज दे प्राइम मिनिस्टर ने तुहानूं याद हो सारिया नूं, इन्होंने कहा कि मैं 2000 करोड़ नौजवानों नौकरियां देऊंगा, 15 लाख रुपया मैं हर एक की जेब पाऊंगा, काला धन मैं वापस लियाऊंगा। ये तीन वड्डियां गल्लां करके देश दे विच सरकार बनाई सी और इहदे विच तीनों गल्लां नहीं उल्टियां हुई। काले धन की थां साडा चिट्टा धन बाहर जाण लग गया, किसान मोर्चा लवा के कुछ पूंजीपतियां की मदद करके कि उन्हां नूं फायदा किस तरह होना है, किसान नूं असीं गुलाम किवें बनाउणा है, मजदूर किवें बनाउणा है, नैगेटिव गई गल। ये सारिया चीजा जो असीं वादे किए थे पूरे नहीं किए, विश्वास लोगों का चलिया गया, कोई भी पिछे नहीं रहिंदा। वेखा जाए तो चाहे तुहाडी पार्टी है, तुहाडे ते बड़े तुहाडी धिर ते बड़े इल्जाम लग रहे हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक हुण मुख्यमंत्री नहीं रहे पर सारे का सारा उन्हां ते नहीं पाया जा सकता, चाहे हुण कोई तुसीं आम आदमी पार्टी ला लो, कांग्रेस ला लो, अकाली दल ला लो, सारे दावे वादे, एक कहिंदा कि मैं 100 रुपया, एक गल मैं 200 दे देना, एक गल मैं पहले ही कही है कि मैं हुण अज दी गल करदी हां कि कुछ गिरावट आई है, कुछ झोटे ते असीं वादियां दे विच लैके आए हां, लेकिन मेरी गल पूरी होण दिओ, असीं पंजे उंगलां नूं नहीं मिला सकते। जे हुण अज मैं गल कीती है मोदी साहब दी, तो दूजे पासे मनमोहन सिंह भी बैठे सी कांग्रेस से, कोई वादा इहो जिहा कीता जिहड़ा पूरा नहीं कीता? तुहाडे सामने साडा सोना गिरवी कीता वा, कि असीं वापस लिआउण लिआ के दिखाया। मैं बंदे इंसान लीडर टू लीडर गल कर रही हां, कल एक पार्टी दी गल नहीं कर रही। तुसीं हुण साडे वादियां ते आ गए हो, साडे विच भी मैं समझदी हां, जिवें तुसीं किहा कैप्टन ने वादे कीते, अज चाहे कैप्टन साडी पार्टी छड्ड के ना, पर साडी पार्टी दा लीडर सी, सीएम सी साडी पार्टी दे, उहनां ने जे वादा कीता, जदों तुसीं सवाल मीडिया भी करदा जां लोक भी एनालिसिस करदे आ, सिचुएशनां ते हालात दा अंदाजा लाओ। उन्होंने जिस वक्त किया तो उस तो बाद आपको पता है कि इतने कि बीमारियां फाइनैशियल प्रॉब्लम आई, इनस्पाइट ऑफ दैट 4600 करोड़ रुपए का जोड़ा है उन्होंने साडा कर्जा माफ किया, मैं मानती हाँ सारे का नहीं होया, और इस तरह 600 करोड़ का खेत मजदूर तो लैंडलैस का माफ किया। कैन यू टैल मी कि सातों 10 साल पहला लगातार सरकार एको बार चली है, अकालिया की खजाना मंत्री मेरे और सुखदेव सिंह ढींसा मेरे जिले वाले से, उस 10 सालों किसी एक किसान का कर्जा माफ किया? तो जे असी इस हालात के बावजूद भी कुछ किया, मैं मानती हाँ अच पूरे नहीं हुए सारे, लेकिन पूरे करने की कोशिश करके कुछ किया। मतलब जो गल कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं तुम उसके नाल खड़े हो कि काम जिहड़े जिन्ना समा उन्होंने लग्या उस उन्होंने पूरे किए ने, तुहाडे वड्डे वीर तुसीं हमेशा कहते रहे हो। इस वक्त मैं किसी लीडर की मुखालफत जां उहदी मैं सिफारिश करनी आई, पैरवी करनी आई, मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय की गल करती हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं भी चोण मैनीफेस्टो में सी और मैं पता है कि मैं कुछ वादियां दे नाल सहमत नहीं सी, जिहड़े सानू लगता सी कि इह सानू अपनी आर्थिक दशा के मुताबिक नहीं करने चाहिए। केड़ा केड़ा वादा सी जिहदे नाल तुसीं नहीं सी सर? नहीं, तुसीं बहुत सारिया गल्लां होंदियां तुहानूं दसण वालियां, बहुत सारिया होंदियां जिहड़ी मेरी अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म से दसण वालियां, मैं उत्थे दसियां सी उस वक्त भी। लेकिन दूजे पासे मैं आपदी गल करदी हैगी हां, तो केजरीवाल की गल करदी हां,
ये सारे बादलों की गल करती हाँ क्योंकि तुम कुछ कट्ठा जो क्वेश्चन किया कैलीफोर्निया क्या सुखबीर बादल ने बना दू बन गया लुधियाना तुहाडे सामने केजरीवाल ने कहा सी 20,000 नौजवान जिहड़े साडे मुलाजम ने उन्हों पक्का करूँ नॉट ए सिंगल मुलाजम जिन्हों पक्का कर सके और दूजे पासे मैनू मौका मिलिया किन्ना समा सीएम का सिर्फ 93 दिन कैन यू टैल मी कि 93 दिन किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री नूं मिले होण ते उहने अपने सूबे के दुखी दरम्याने गरीब उन्हां लोकां लई 52 फैसले लए होण 93 दिनां दे विच और वो फैसले भी इस तरह नहीं जिमें मैं हूँ राजा साडा बिल्डिंग बोल रहा सी ठीक गल उन्हें कही कि जो असी कुछ देना है किसी लिए कुछ करना पहले उन्होंने पुछता लीए तुम चाहिए मैं उस वक्त 8-9 किसान जथेबंदियां सी उन्होंने गल की सी कि आ मैं करन लगी हाँ 7 एकड़ तो थले वाले किसान का जिहड़ा पानी के बिल आउंदे माफ करन लगी हाँ मैं किया वो सारे एग्री हुए कोई अंदोलन नहीं होया मैं किया जिहड़ी अज प्रॉब्लम आ रही है अज किसान कित्थे बैठे ने ये कई बार ये होंदियां कि जड़ां ते बुनियादी बीज असी ऐसे माड़े पा दिंदे हां जिहदी उपज विच वरोह जी भैड़ा सिट्टे निकलदे हैगे आ मैं उस वक्त कीता सी कि साडा कल्ला ही खेती प्रधान सूबा है 5 एकड़ तो थले वाले किसान दी मैं कहा सी कि वी जिहड़ी इंश्योरेंस है क्रॉप इंश्योरेंस क्योंकि मुआवजा नैचुरल कलैमिटी का बहुत थोड़ा हुंदा पूरा नहीं हुंदा फिर लोग साडे खुदकशियां करदे आ गरीबी आउंदी आ करजाई हुंदे आ वो सरकार किश्तां भरूगी 5 एकड़ तो थले वाले किसानों दियां मैं वो इंश्योरेंस कराऊंगी मैं भूमि बोर्ड जिहदे पिछे साडे बाद च किसानों धरने देने पए मानसा तक वो मैं भूमि एक रक्षा बोर्ड बनाया सीगा कि जिथे कुछ भी उपज नहीं हुंदी वह जमीन दे उत्ते असीं कारखाने लाउण देवांगे किसानों की मर्जी दे नाल इसे तरह नाल लड़कियां दी मैं थोड़ा जिहा अपने समय का गल तुसीं अगला सवाल करोगे मैं अपने समय दे विच जिहड़े हुण केजरीवाल जी कहिंदे आ मैं मुफ्त बसां नूं पास दित्ते आ दे रहा जां देऊंगा जां इक बस लाई है तो मैं तो 96 दे विच साडियां 60 साल तो उपर वालियां औरतां नूं मुफ्त बसां दा पास तो बांह फड़ के जाण वालियां दा भी मुफ्त पास किया सी अज कहिंदे आ कि असीं फ्री एजुकेशन देवांगे साडी सरकार ने भी हुण कीती है उस वक्त दा मेरा कढ के देखो कुछ नोटिफाई हो गया कुछ नहीं होया सरकार दा एजेंडा मैं लड़कियां नूं उस वेले ग्रैजुएशन तक दी साडी माफ कीती सी फीस टैक्नीकल कोर्सां च पॉलीटेक्निक ITI उहनां दी फ्री कीती सी सारी मैं सो इस मेरा कहण दा भाव कि उस वेले जिहड़े कीते उह क्यों नहीं सिरे चढ़ सके किन्ना ने रोके उस वक्त और वह पंजाब के लोग हतैशी मने जाण जां की जिहड़े गरीबां लई लए सी मुड़ के अकाली दल की सरकार आ गई साडे चोण कमिश्नर मनमोहन सिंह जी से जिहड़े अकाली दल के प्रिंसीपल सैकटरी रहे सी उन्होंने कदे नहीं तुसीं देखिया होना पूरे देश दुनिया में अद्धे घंटे च चो दो बारी चोण ऐलान करके तो उन्होंने जिहड़ा जिहनूं कहिंदे ना लग गया अपना जापता लग गया पहला लाया जापता कि 1 तरीक तो मैं 31 की मीटिंग कर रही थी 31 नोटिफाई करके फैसले लागू हो जाने से 15 मिनट आया कि बेदे इमीजिएट फैक्ट लागू किया जाता है मैंने कोई दिखा दे कि अद्धे घंटे के बिच दो जापत्या दी चिट्ठियां आ के मेरी कलम रखाई गई वो कलम जे ना उस दिन रखी जाती जां उहदे उत्ते आउण वालियां सरकारां कम करदियां तां अज आ किसानां दी हालत ना हुंदी गरीबां दी हालत बहुत सारी उदाहरण दित्तियां अजिहा काम करने के लिए किहो जी स्पिरिट की लोड़ है तुहानू की लगता है की घाट है अज की कहनी और कथनी दे विच फर्क जो तुहाडियां जो तुसी दस्या काम कीता है उस तो अंदाजा लग रहा है देखो मैं जिस तरह पहला गल कही कि कितें सियासत सियासी सोच दे विच फर्क आ गया सियासी सोच अगे साडी कमिटमेंटां दी हुंदी साडे इंसान उह समझदे कि मैं कमिटमेंट ते पूरा उतरिया मैनू साडा असीं विश्वास गवाया है जिवें पहला मोदी जी वाली गल ते बताया मैनू ही पता जां पहली बार इलैक्शन लड़ियां उस वक्त 72 दे विच मैं धनौला हुंदा सी तपा हलका उत्थे मैं जो जो अनाउंसमेंटा करा कि इतने मैं सब तहसील बना दूंगी इतने मैं कर दूंगी मेरे तो कोई विश्वास ना करे मैं किया 26 जनवरी वाले दिन लाण मैं कहा मैं एक देशभगत की धी हाँ मैं इस दिहाड़े से ऐलान कर रही हूँ कहते जी पॉलीटिशियन बहुत आते ऐलान कर जाते हैं मैं उत्थे ही नुकता फड़िया कि सानू जिहड़ा अपना बेविश्वासी लोगों चाहिए ठीक है कल्ली नहीं मैं दूर कर सकती सारे करना पवेगा मैं उस तो बाद अपना अपना कोशिश ही बना ली सी कि जो मैं कह मैं पूरा करन वास्ते 100% कोशिश करूँ जे सब सारे नहीं तद्दे पूरे हो सकते होणगे इह विश्वासवासी चली गई अज सानू गरंटियां देनियां पै रहियां अज सानू झूठे वादे करने पै रहे ने महिलावां नू 1,000 रुपए 2,000 रुपए ऐलान करना उहदे बारे खास तौर ते मैं तुहाडे तों सवाल लैणा चाहूंगी तुहानू लगदा है कि जिवें बयान आ रहे ने कि भीख दित्ती जा रही है महिलावां नू 1,000 रुपए 2,000 रुपए इह कित्थों तक तुहानू लगदा ग्राउंड ते उतरनगे मैं थोड़ी समझ नहीं सर ऐलान किए जा रहे ने केजरीवाल जिस तरह हम केजरीवाल जी ने किया मैं 1,000 रुपया देगा की वो दिल्ली च दे के आ गए दो बार उन्हें सरकार नहीं शुरुआत क्यों अज क्यों पंजाब का इन्ना प्यार क्यों आ गया पंजाब का तो पानी तुम कहते सानू हरियाणे दे दो
केजरीवाल जी कहिंदे सी पंजाब दा पानी तो किसे दिल्ली नूं भी चाहिंदा हैगा, अज्ज पंजाब नाल कित्थों बोझ आ गया आ। वो तो वह हैगा जिवें किसी ने वादे किए, मेरी मझ खोई गई जे लभ जे तैनू 20,000 तैनू 50,000 तैनू वो पूरा 1-2 लाख ते लै गया, कहिंदा नहीं तां मैं ऐसनी, कहिंदा मैनूं पता है, कहिंदा मैं मेरी मझ मिलनी नहीं तां मैं कहिंदा पूरे करने वादे। केजरीवाल जी नूं पता कि इत्थे आउणी नहीं सरकार, मेरे तां पहले भी टुट गए जिहड़े नाल खड़े सी आ के। जे वो 2 वार सरकारां रहियां उत्थे बंदे ये कहिंदे कि पहलां तुसीं अपने सूबे विच वो कम लागू करके आओ कि मैं लागू किया आया कि अन्ना हजारे जी दे सामने जिहड़ा झंडा लैके गए सी उत्थे एक देश भगत दे हजूरी च झंडा चक के इन्हां ने कहा सीगा कि मैं लोकपाल बनाऊंगा। कि अज तक बनाता, वो भी पंजाब तो शुरुआत करनी है। ये तो कहिंदे सीगे मैं सियासत विच नहीं आऊंगा, भुल गए अन्ना हजारे जी नूं, इन्हां ते विश्वास करन। इस करके इन्हां नूं गरंटियां देनियां पैंदियां, फोकियां गरंटियां, जिहड़ियां गरंटियां ते अज कल लोकां दे नाल इन्नी वार हो गया कोई विश्वास करने लई तैयार नहीं। बीबी जी तुसीं पहलां भी कहा कि कई बार ऐसे वादे करने पै जांदे ने या हालात ऐसे, क्योंकि हुण तां सारियां पार्टियां दे चाहे किसे पासे झात मार लईए, चाहे तुसीं हो ते चाहे विरोधी ने, सारे पासे इही आ कि तुसीं मुख्यमंत्री रहे हो तां कि वाकई हालात जदों पहलां ऐलान करन दे हुंदे आ उदों कोई तस्वीर होर नज़र आउंदी है जां सिर्फ विखाई जांदी आ, ते एक्चुअल दे विच जदों पावर दे विच आउणे हो तां उदों वाकई कई चीज़ां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां करनियां संभव नहीं हुंदियां, उह सिर्फ हाथी दंदां नूं दिखाउण वालियां हुंदियां। देखो मैं जिस तरह कहा कि मैं 92 च मैं 85 चाई हैगी 80 चाहियां 72 चाहियां सॉरी पहली इलेक्शन लड़ी है, बहुत हालात देखे है चंगे माड़े। असी एक वादा किया, बहुत औखा वादा सी, जिंदगियां दा दा लगना सीगा कि असी पंजाब दे विचों आ जिहड़ा कोई किसी नूं इस करके कि तेरे सिर ते केस नहीं दाढ़ी नहीं ये मारिया जाऊगा अतवाद आऊगा, इस तरह दी गल्लां आईयां दिने रातां पै जांदियां सी, किन्ने हज़ार बंदे साढ़े उत्थे मारे गए सीगे। असी कहा सी कि असी जां आप खत्म होवांगे जां अतवाद खत्म करांगे, कोई सारयां दे सामने हैगा किसी अतवाद खत्म किया? शहादत दे जाम पीते सरबजन सिंह ने, पीते होरां ने पीते, अतवाद असी खत्म करके दिखाया। इस तों बाद मैं दस्सिया कि जिन्ने वादे मैं किए सी उह मैं उस तरह एक पासे अफसर बिठाए, एक पासे जिहदे नाल मैं फैसला लैणा सी उह संबंधित वर्ग बिठाया, अपनी कैबिनेट बिठाई, पंजाब भवन दे विच मीटिंग की, सारयां तों ओके करा के गए। इस तों बाद ये हुण तुहाडे कोल पैसे हैगे ने, तुसीं इन्ना कर सकदे हो, इहदी जरूरत हैगी है, उत्थे डन कीते गए फैसले। इह जदों एटीट्यूड तुसीं रखोगे ना कि जिवें तुसीं कहिंदे कुछ कीते जाने चाहीदे है, एक्चुअल उही कीते जाने चाहीदे है जिहड़े असीं लोक चाहुंदे होण, लोकां दी जरूरत होवे, लोकां दी सहमति होवे। तुसीं कदे पार्टी हाईकमान कोले चाहे हुण क्योंकि चोणां बिल्कुल सिर ते ने, की तुसीं इस वार तुसीं शुरुआत कर सकदे हो कि मैं जाके हाईकमान नूं कहना जी आप उन्नी गल ही कर रहे जिनी कर दीए, क्योंकि हुण वी तुहाडे मुख्यमंत्री नूं कहा जांदा कि ऐलान होई जांदे ने इन्हां दे विचों कोई गल सिरे नहीं, कहिंदे पोस्टर वड्डे वड्डे लग गए पर ओह जमीन ते नहीं नजर आ रहे। इलैक्शन दे विच रह गए, तुहानूं पता है सामने निक ऑफ द टाइम इलैक्शन नेड़े पहुँच गई है। मैं अपनियां जदों भी दित्तियां, मैनूं हुण भी सोनिया जी ने बुलाया सी, मैनूं पुछिया सी मैं की चाहुंदी हाँ, मैं कहा मैं कुछ नहीं, नौजवानों नूं अगे लैके आओ, मैं कुछ नहीं चाहुंदी, लेकिन मैं इह चाहुंदी हाँ कि कांग्रेस पार्टी देश की एक वड्डी मन्नी परमन्नी पार्टी है, ये अपना उच्चियां सुच्चियां कादरां कीमतां रख के उस तरह नाल जो कहे वो करके दिखावे, उहदे ते एग्री कीते सीगे। सो मैं अज भी यही चाहुंदी हैगी हाँ कि साडे अज फॉर एग्जाम्पल मैं उदों रखिया सी कि मुलाजम रखूंगी, अज छोटे साडे टीचर बैठे है, बेरोजगार लोग बैठे ने, अज उह नौकरियां मंग रहे ने, साडे दफ्तरां च लोड़ है उहनां दी, साडे दफ्तर खाली पए ने। मैं एक एग्जाम्पल दिंदी हाँ फॉर म्यूनसिपल कमेटियां की, साढ़े कोल जे 100-150 म्यूनसिपल कमेटी है, साढ़े कोल 40-45 के लगभग ईओ ने, जबकि एक म्यूनसिपैलिटी एक ईओ चाहिए, क्यों नहीं असी पूरे ईओ दे सके? साढ़े बंदे हैगे पढ़े लिखे रुजगार मंगते हैं, क्यों नहीं स्कूलों टीचर दे सके? क्यों नहीं असी इस तरह दी सारियां गल्लां प्रोवाइड कर सके जो चाहिए हैं? असी क्यों, मैं किसी के खिलाफ नहीं किसी बड़े अफसर के, लेकिन असी एक चीफ सैकटरी जे एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर हुंदा मिनिस्टरां दा एक मिनिस्टर, तो सारे सैकटरियां का एक चीफ सैकटरी भी सर सकता है? असी 15-20 चीफ सैकटरी क्यों बनाने, उन्हें खर्चा करने की बजाय छोटे मुलाजमान से खर्चा क्यों नहीं करते? असी क्यों इन्ने DGP बना दें कि पोस्टा प्रमोट होकर ना ग्रेड बढ़ते जाण, असी थले सिपाही क्यों नहीं भर्ती कर सकते? असी क्यों नहीं अपने थाने दे सकते? अगवाई होना कि ठीक करना, आम लोगों ने तो चुन के भेजता ना, तुम्हें उत्थे नुमाइंदे बना के भेजता, सत्ता च बिठा दिता, तो फिर यह सिस्टम ठीक किवें होना? इत्थे दो तरह के सोच के लोग चल रहे हैं, एक तो वो सोचते हैं जोड़े बहुत थोड़े रह गए हैं कि देश लिए की देना है, पार्टी लिए की देना है, लोगों लिए की देना है, वो अपना आप कुर्बान करके, मेरे टब्बर में मैंने माण है, मैं गौरव महसूस कर दी, असी जमीन जब्त करा के घर जब्त करा के अपनी जिंदगियां बर्बाद करके सारा कुछ देश लिए भी किया, पार्टी लिए जेल चाहे जाना पे, मैं अपनी कुछड़ 4 साल की बेटी लेके जेल गई इनजस्टिस के खिलाफ, मैं जो अतवाद आया आपके 6 साल के बेटे
काले कमांडो के कपड़े पवा के उत्थे नाल लेके गई। लेकिन जिवें कहा ठीक किवें हो सकता है, असीं अज दी सिचुएशन विच जिहड़ी साडी लोक ने साडे उन्हां नूं वी कोई फैसला करना पऊ। अज पैसे दे नाल अज पैसा मनी पावर जिहड़ी हैगी है वह लीड कर रही है, वह पावरफुल बन गई है। उहदे मुताबक लोगों को यह फैसला करना पऊ कि तुसीं कल्ले पैसे वाले नूं, पैसे वाले ने जिवें पैसा कमाया है उन्ना खर्च कर दूँ, मुड़ के उन्ना फेक मारूगा वो। लेकिन जिन्हें सोचा कि नहीं मेरा पैसा धन दौलत मेरी जनता है मैं इन्हां ते लाउणा है यही रखना हैगा, जे उह जन चुणगे तां उह गल्लां पूरियां होणगियां। जे लोक सिर्फ पैसा बनाउण वाले ते पैसा बेड़े सिर लाउण वालिआं नूं चुणगे उह फिर आओ जी जाओ जी वर्गे होणगे, बेड़े सिर आ के भरमारिआ करनगे, लोकां नूं ते लै जा करनगे। 2022 नूं लै के इक सवाल करना चाहुंदी आ, रणनीति हर पार्टी दे वल्लों घड़ी जा रही है। प्रियंका गांधी दे वल्लों इक ऐलान कीता गया यूपी च कि 40% जिहड़ियां टिकटां ने उह महिलावां नूं दित्तियां जाणगियां, तुहानूं की लगदा पंजाब च इह होणा चाहीदा? पंजाब च क्यों, मैं तां पूरे देश च चाहुंदी आ। साडी बदकिस्मती लाओ जां किवें लाओ, 15वीं सदी च असी डिवेलपिंग कंट्री कहाने अमेरिका वगैरह डिवेलप्ड ने, उत्थे राजनीति विच बहुत बराबरता दिती जा रही सी, पहलां भी काबलीयत दे आधार ते हुंदी सी। लेकिन साथों कुछ अनडिवेलप्ड ने जिवें श्रीलंका होया, बंगलादेश होया, पाकिस्तान होया, जे वो उत्थे रिप्रजेंटेशन ज़्यादा लेडीज़ नूं है। साढ़े 15वीं सदी च सिर्फ 550 की जिहड़ी साडी लोक सभा है सिर्फ 17 औरतां आईयां सी उस वेले, और साढ़े उस वेले राजमाता जी ते नरलेप कौर दो ही पंजाब चो गईयां सी। उस तो बाद बेशक साडी अपनी इंदिरा गांधी जी बने, पर पाकिस्तान दे विच बेदी जी भुट्टो भी बन के रखी रही। उस पर इस पंजाब दे विच मैनूं पंजाब दे लोकां ने मेरी पार्टी ने जिहड़े स्पीकर बनाईयां औरतां, राष्ट्रपति बनाईयां औरतां, एक चीफ मिनिस्टर बनाउण दा मैनूं भी मौका दित्ता उहनां ने आके। मैं इह नहीं समझदी कि तुसीं अपनियां परसेंटेजां 30 होण 40 होण, तुसीं रखो कि जिथे कोई काबल है कैपेबल है छड़ दिओ कि मेल है फीमेल है दूजा है तीजा है किस तरह है, उन्होंने तुम उन्होंने काबिलियत आधार से लैके आओ। पर तुम हामी रहोगे इस चीज़ के की लगता तो कि इस चीज़ को लागू करवाने कामयाबी रहोगे पंजाब के खासकर, क्योंकि गल यूपी लैके तो की पंजाब लैके कितने ना कि अजे चुप्पी है क्योंकि पंजाब ज़्यादातर जोड़े मेल लीडर ही ने। देखो मैं समझती हाँ कि यूपी वर्गी स्टेट जी हैगी है वड्डी स्टेट है, और उस स्टेट के वाकई जिमें असं कहने पंजाब असं फिर भी अगे नो ज़्यादा हैगी हाँ, लेकिन यूपी अजे भी घट ने। यूपी साडा नेपाल दे बॉर्डर ते लगता जिन्होंने कहने अनडिवेलप्ड एरिया हैगा, उत्थे लगता बड़ा ध्यान घट जाना। हुण उत्थे जे इनिशिएटिव लिया है प्रियंका जी ने उत्थे बहुत अच्छी गल है, और मैं समझदी हां कि बाकी सारिया पार्टियां भी इस पासे ध्यान देन, क्यों नहीं साडियां लेडीज़ नूं। मैं जिस वक्त बनी सीएम मैं उदों 30% उदों दित्ता सी 1996 च सरकारी नौकरियां च कि मैं लड़कियां नूं बणाऊंगी। मैं डीसी एसएसपी एसडीएम लाइया से उस वेले, और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिखाए। यह नहीं कि कोई लेडी बनाती है हूँ वेख्या जा रहा है, सरपंच जरूर बनिया ने जो रिजर्वेशन दी गई है, पर मोहरे जड़े ने उन्होंने हसबेंड उन्होंने पति होंगे ने अगे उन्होंने वालों अगवाई नहीं की जा रही, कितने कमी लगती है तुम्हें जबकि लीडरशिप महिलाओं की कोई कमी नहीं है। किसी जिस तरह क्या सरपंच घर वाली की मोहर की रही घर मेरे स्टेजा से जो फंक्शन से कोई आता मैं पहले इंश्योर कर दी वो कहे जी प्रधान जी आ गए, प्रधान उसकी घर वाली होंदी है, तो मैं उस समय सारे के सामने हूँ थले उस ऑडियंस वाली सीट बिठाई हाँ जिहड़ी चुनी हुई प्रधान है जां सरपंच है उन्हें उत्थे बिठाउंदी हैगी आ। और मैं देखिया कि वाकई अपने आदमियों नालों ज़्यादा वधिया कई सारिया नहीं सर वधिया बोलदियां है। इस करके मेरा मतलब कहण दा कि असीं अजे इत्थे ही फसे खड़े हाँ, किहड़ी सदी च जा रहे हाँ असीं, औरतां नूं इन्हां नूं उस कम च फसे हुए हाँ। जिस वेले सरदार दरबारा सिंह जी सी मैं उस वेले गल कही सी कि साडे गरीब वर्ग ने रूरल एरियाज़ है पढ़ाइया के साधन ट्रेनिंगा के साधन घट होंगे सानू उन्हां रियायत करनी चाहिए है, उन्होंने तुम रेजरवेशन सिर्फ यह ना करो कि अखीरले टंबे से जाके रेजरवेशन दो, तो जे डाक्टर के हाथ च भी जाना है तो ड्राइवर के हाथ च भी जाना है। तुम इन्हों इन्ना कैपेबल बनाउण वास्ते जिहड़ा वह गरीब ने खर्चा नहीं कर सकते सरकारी खर्चे तो ट्रेनिंगा खर्चा दे के कैपेबल मौके दो उत्थे पैसे दो, पर जी मैरिट करनी है वो तुम ऑन मैरिट देख के सिलेक्शन करो। बीबी जी राइजिंग पंजाब की गल हो रही है, पंजाब के भविख की गल हो रही है, तुहाडी पार्टी का भविख की देखते हो जिस तरह का माहौल अंदर चल रहा पिछले कुछ महीनों तो बड़ा उथल पुथल भी हो गया, पर उसके बावजूद सारा समुंदर जिहड़ा अजे टिकता नजर नहीं आ रहा, छल्लां हले भी वजदियां पईयां। देखो इस वेले पंजाब के जो हालात है और देश के भी है, पंजाब ने अगवाई की किसान अंदोलन की, इस किसान अंदोलन में साड़ी एक मार्के की गल तुसीं कहिंदे 33% रूरल औरतां बराबर जाके बैठिया ने बॉर्डर से, और जो सितम ते जुल्म इस मोदी सरकार ने किया बीजेपी की सरकार ने किया, औरतों के उत्ते दिल्ली गड्डियां चढ़ाई गई, लखीमपुर चढ़ाई गई, मार धाड़ की गई, केस बनाए गए, 700 तो उपर
जिहड़े साडे सीगे ओह बंदे शहीद साडे हो गए जिहड़े अज वापस नहीं मुड़ के आने उन्हां घरां दे विच जाणे नहीं। ये सारिया सिचुएशन के मुताबक अज असी यह समझते हैं कि इस वेले जरूरत हैगी है सानू अपना पार्टियां ऐसी पॉजिटिव प्रोग्राम बनाने चाहिए है जिद मुताबक असी इन वर्गों नाल लैके चल सकी। अंदरूनी भूचाल की मैं गल कर रहा थी जो कुछ अंदर चल रहा है ये लगता मैं इतने आ रही अब साढ़े मुकाबले जो लोग समझते हैं लोगों के मीडिया समझता है वो कहते हैं जी आम आदमी पार्टी अकाली दल पार्टी हूँ तुम अकाली दल पार्टी ले लो किन्ने अकाली दल बन गए पहला आ गया मेन अकाली दल श्रोमणी अकाली दल फिर एक बन गया मान साहब ने बनाया बाबा अकाली दल फिर एक होर बन गया मास्टर तारा सिंह की बेटी आई थी बीबी अकाली दल बन गया सीगा ते हुण एक संयुक्त अकाली दल बन गया आके ये सारे जिहड़े अकाली दल साढ़े मुकाबले च आने वाली पार्टी है ये इन्या टुकड़िया च वंडी गई और ये सारे जिहड़े लोग ने यह पंजाब दे अकाली दल जिहड़ा समुचा हैगा पंजाब दे नंबर वन दुश्मन ने। प्रताप सिंह कैरों ने महापंजाब की गल की सी कि बड़ा पंजाब होवे पंजाबी सूबे का अकालिया ने मोर्चा लाया असी भी गए मेरे भी छोटे छोटे बच्चे साढ़े पटके बने असी भी गए जेल च लेकिन रिजल्ट की निकलिया कि पंजाबी सूबे लेके छोटा करा के आ गए गए सी बड़ा कराने करा के छोटा आ गए क्योंकि इन्हें सोचा कि सिख वोट रह जू साड़ी कुर्सी उत्थे डहिंदी रह जूगी आके वो अकाली दल जिन्हां दे समय च किसानां दे उत्ते जाति होई धर्मां दे अपमान होए और सारा अकाली दल चाहे अज सुखदेव सिंह ढींड सब कुछ कहण ये सारे तो राजभाग डेढ़ डेढ़ साल तक बैठे रहे अज वक्रे अकाली दल बना लिया अज ये बीजेपी जेड़े पंजाब दे 700 किसानों दी लाशां ते राज करदे ने अज उन्हां नूं हथ मिला रहे ने तुहानूं लगदा है कि माफ करनगे उन्हां नूं लगदा है कि सुखदेव सिंह ढींडसा क्योंकि हुण बीजेपी नाल उह वी जा सकदे ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तां सिद्धा ही कर दित्ता कि बीजेपी दे नाल जाणा तां लगदा है कि तुहाडे लई चुनौती हो सकदी है। ये दोनों पहले ही मिले हुए सी पर्दा उपर हुण उतर रहा है जदों सुखदेव सिंह ढींडसा जी नूं पद्म श्री दित्ता सी मैं इसे लई पुछिया सी कि पद्मश्री किहड़े बार्डर ते लड़ाई लड़ी है जां किहड़ी बहादुरी कीती है असल च पद्मश्री जिहड़ी सी साई फड़ाई सी उदों बीजेपी वालिया ने कि साडे नाल आओगे तुहानू असी एस जी पी सी दे देंगे पहलां इहनां कोल मस्तवाणे का कब्जा है ढींडसा जी कोल एस जी पी सी के कब्जे च अकाली दल नूं तोड़न लई जां सेंटर च वज़ारत लैण वास्ते ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਈ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਈ ਵੀ ਐਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15-20 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੋ ਦਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ 'ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕਰਾਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਗਈ ਅਗਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਟਾਸਟੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ 25% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 100% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ
पत्ते पुराने डिगदे आ नवे आउंदे आ, तुसीं 60-40 दी रेशो रख लो, 50-50 रख लो। जे फर्जी इत्थे तुसीं हुड्डा जी नूं बदलिया, मैं मिसाल दिंदी हां, वो सीएम रहे, उन्हां नूं पता है कि मैं सरकार नूं कित्थों फड़ सकदा ओपोजिशन च आके। उन्हां नूं तुसीं ओपोजिशन लीडर बनाओ, नाल जंग कोई जिहड़ा डिप्टी लीडर ला दिओ इत्थों। उदों जो कैप्टन नूं बदले, इह प्रधान तों मैं कहा सी कि नाल वाइस प्रधान ला दिओ जंग। मैनू जदों हटाया सी एल पी तों, मैं भी यह कहिंदी सी कि मैनू भी तुसीं जे रखणा है तां मेरे नाल इक जंग मुंडा डिप्टी लीडर ला दिओ। उहनूं तजर्बा भी होजूगा, उहनां दी कॉन्फिडेंस भी होजूगा, जानकारी भी होजू, पहचान भी होजू। पर हुण अगवाई नवजोत सिद्धू और सीएम चन्नी दोवें नौजवान ने। नहीं देखो हुण साडे, मैं समझदी हैगी हां कि साडे बणे हैं, अच्छा फैसला लिया है, और मैनू आस है कि साडा इहचों ठीक रिजल्ट निकलू, क्योंकि असीं थापियां दे के हर एक नूं समझा के मोढे ते हथ दे के चलदे हां। इहदे विच इक पासे उहनां कोले पार्टी दा प्लेटफॉर्म है, इक पासे इह हैगा, लेकिन नाल साडी जी टीम बनाई है, च अंबिका सोनी जी भी कोआर्डीनेशन दे विच लए ने, सुनील जाखड़ नूं भी लए, वह भी काफी तजर्बेकार होया है, तो मैं समझती हैगी कि इन्होंने होश जोश दोनों कट्ठे किए हैं, मैदान च भजन लिए नौजवान चाहिए है। एक मिनट बीबी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कि वो चुनौती समझते हो, क्योंकि हूं तो सीधा ही मैदान च आ गए ना। 2017 कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह समझा जाता है, तो अज कैप्टन अमरिंदर सिंह कि वो चुनौती समझते हो तुहाडे सामने? देखो जे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिवें कहिंदे आप ही कहिंदे, अजे नहीं मेरे नाल आना, किसी ने जापते तो बाद आना है। उन्हों का मंतव यह है, वह भी उही डीकते हैं, तो दूजे भी यही डीकते हैं ढींसे होनी। वो अकाली दल चो छड़ के गए हैं, सके भाई है, ये कांग्रेस चो छड़ के गए हैं, फायदे दोनों ने इस उठाए आप अपनी पार्टियां चो, तो यह दोनों समझते भी जिन्हें उधरों टिकट नहीं मिलू साढ़े वाल आ जाएंगे। लेकिन अकाली दल के भी तजर्बा यह होया है कि जे कोई सुखबीर ने नगलैक्ट किया या नहीं आया, वो ढींसे के पार्टी च नहीं गया। एक सुखदेव सिंह ढींसा एम पी ने, परमिंदर सिंह ढींसा एम एल ए, कोई एम एल ए कोई एम पी शामिल नहीं होया। तो बाकी जे समझते कोई इधरों रह जूगा आ जूगा, वो हम सीधे बीजेपी ने जाने लग गए। कैप्टन दावा कर रहे हैं इन दोनों तिना पंजाब के लोग डीकते हैं, जेड़ा इन्होंने आ कर लिया ना कि बीजेपी ना साडा पंजाब नहीं बर्दाश्त करेगा। पंजाब के लोगों के उत्ते जिन्ना जाति किसानों के नाल धक्का होया, जो कुछ नुकसान होया, जिमें कह रहे थे कि असी तो ढींसा जी सिख मंगा कुछ मनाने वास्ते बीजेपी ने हथ बनाया, तो जे थोड़िया इनिया मंगा मनते हैं तो किसान वाली मंगा ही मना लें, साल पल क्यों साढ़े इन्ना नुकसान कराया, 700 बंदा मरिया, इवें जिमें कैप्टन साहब यही गल कहें। असी बीजेपी रल के राज करांगे, ना तो बीजेपी को किसी ने पंजाब वड़न देना है, तो ना कैप्टन साहब सच्चे किते झूठे किते। दिल्ली गए से उस तो बाद मसला हल हो ही गया, हुण ये नहीं पता कि रहनुमाई दे हेठ होया नहीं रहनुमाई, तो चलो ये तो इन्हों का अपना मामला है, रहनुमाई कौन करूगा जे बीजेपी करू वड़ नहीं देंगे। कैप्टन साहब करनगे तो वो याद करा देंगे, ढींसा जी याद करा देंगे कि ढींसा जी तुम अज कैप्टन नाल जफ्फी पाई फिरते हो, तुसीं तां बादले इस करके छड्डे सी कि उन्होंने बेअदबी का मामला हल नहीं किया, तो कैप्टन साहब ने तो उदू वड्डी बेअदबी की सी, हाथ च गुटका चक के दमदमा साहब की धरती से, वह भी 4.5 हल नहीं किया 4.5 सालों में, उन्हें साल तुम उन्होंने किवें फिरते हो। जो ये हालात पैदा होए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा घटनाक्रम होया, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, 1920 ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं तो धर्म की भैन का फर्ज अदा करता, केसरी जी ने मनाया, मैं मनते नहीं सी, कहिंदे राजे महाराजे मुश्किल से निकाले हैं। मैं कहिंदा नहीं जी, हुण एक भरा के रूप में अच्छे इंसान बनने रूप में वादा करके आ रहे हैं। इस तरह मैं सोनिया जी ने मनाया, जिहड़े लैण लई तैयार नहीं सी पार्टी विच, किन्हां नूं बनाओ, मैं अपनी प्रधानगी छड्ड के इन्हां प्रधान बना के लैके आई। लेकिन उस तो बाद तुसीं सारे इत्थे ही वसदे हो कि जो एक मेरे नाल, मैं एक देश भगत टब्बर चों आई सी, पति मेरे चले गए सी, मेरे भरावां दी मौत हो गई सी, मैं कल्ली औरत रह गई सी, तां ही मैं उसे तां जे मेरा भरा बन के कोई आउंदा है तां इक औरत नूं हमेशा लगदा सहारा कि मेरे भरा दे रूप च खड़े है। मैं तां सारा कुछ कीता, लेकिन जो सिचुएशन मेरे नाल वापरी है कि तुसीं सारे पंजाब दे लोकां ने नहीं देखिया मेरे नाल की होया, मैं फिर भी उस दे बावजूद जदों भी मेरे कोल आए है मैं उन्होंने यही कहा कि चलो पिछला भुलो, तुसीं हुण भी जदों मेरे कोल हुण राय लैण वास्ते आए, आपदे आप मैं नहीं कोई राय दिंदी, ना मैं बुलाउंदी हां, ना मैं पार्टी तो कभी हाई कमांड तो कुछ मंगे, कुछ इतिहास दोहराया। मैं उस वक्त भी इन्होंने कहा कि कैप्टन साहब कहने की करा, मैं तुम्हें यह चाहिए है कि सारे कांग्रेस के लीडर नालों वध समा तुम मैंने दिता सोनिया जी प्रधानगी सीएमशिप का, यह तुहाडी मानत है, मैं तो तुम्हें छड़ के चलिया गया, फिर भी एड्डा वड्डा बन काम किया है, यह तुहाडी मानत है, मैं रेजिग्नेशन तुम्हें फड़ाउंदा, जिन्हों तुम बनाना चाहते हो मैं तो ना लै दिना। 4 महीने वैसे भी मैं कहा कि अगली इलेक्शन लड़नी नहीं,
चार महीने छड़ना जी अज कोई नौजवान अगे आता तो मैं क्या देखो मैं सुनील जाखड़ वेल कहा कि हाँ मैं छड़ दिया मैडम लियाओ अगे लेके आओ मैं के पी वास्ते कहा कि मेरे को दो आदि मैं छड़ दी वह तुम इन के पी अगे लेके आओ आपू बुढ़प्पण यही दिखाई चाहिए बीबी जी ऐ तो नहीं कि कैप्टन साहब भी कहते हो मेरी भैन मोह तोड़ होगी मेरे खिलाफ बयान भी देती है कई बार पहला प्यार भी बड़ा जिता रहे पिछले दिनों के मैं जो जो भी अज तक कहा है यह जी कोई गल नहीं की कि सिर्फ बयान करके जिता है मैं तक पंजाब नाल हड बीती ज मेरे हड बीती जी सच्चाई है जी रिकॉर्ड से है वो गल दसी है हूँ ये गल कोई बयान मैं उत्ते उन्होंने तारीफ भी की कि उन्होंने साढ़े चार साल च करोना होने के बावजूद बाड़ा हालात होने के बावजूद कुछ वादे पूरे भी किए पर सारे नहीं पूरे हुए मेरी जी एक गल से मेरी नाराजगी उन्होंने मैं उन्होंने मूँह से भी कहती होंगी सी कि तुम ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लोगों की गवर्नमेंट है ये लोगों के गवर्नमेंट में तरजीह देिए 100% ब्यूरोक्रेसी ना देिए मैं उन्होंने मूँह से भी कहती सी मैं उन्होंने गैरहाजरी भी कहनी हाँ क्योंकि अब सा पार्टी च नहीं अगे मिलकर उन्होंने राय दे देती सी हूँ तुम पूछ लेने थोड़े राही मैं उन्होंने राय पहुँचा देनी होंगी हाँ मैं याद आ ऑफ कैमरा तुम कई बार इस तरह के अंदेशे जताते कि जो कुछ चल रहा कुर्सी सिरे लगनी भी कैप्टन साहब की नहीं जिस तरह भी जो चल रहा मैं सोचा कि एक सोच होंगी एक इंसान की उन्हों की अपनी सोच है वो एक उस तरह के वातावरण पले है चलो परमात्मा इस तरह कहने कि जदों किसी ने भी देवे मत पंजाब का ना कोई नुकसान करे सारे असी रल के भुल जाइए निजी अपन गल् निजी बहुत कुछ हुंदा हैगा अज पंजाब एक खतरे की घंटी वाले थान पर खड़ा है अज पंजाब दे साडा कारोबार साडा बंद हो गया है खड़ गया साडा बिल्कुल ही खेती साडी बर्बाद हो गई है मुलाजम साडे भुखे मरते हैं गरीब लोग सड़कों पर आया होया दवाइया कित नहीं डाक्टर कित नहीं अज साडियां बिजलियां जां होर इन्ने बिल लैके खड़दियां औरतां है नहीं अज टैंकियां ते साडे बच्चे चढ़े हुए ने सानू रब दे वास्ते कह के रब दे कोले दान हरक ने देने है कल्या कल्या ना बैठ के ये सारिया चीजा सानू प्रैक्टिकली करनिया चाहीदियां नाट वादा कल्ला वादा नहीं ऐलान नहीं करने चाहिए प्रैक्टिकली सवाल जरूर लवांगे 2022 लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह से चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाता पंजाब का किवें देखते हो हुण उन्हां दी कारगुजारी भी किवें देखते हो तुहानूं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिथे सक्सैस नहीं हो सके जिदे करके उन्हां नूं कुर्सियों लाता तुहानूं लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी च वो खूबियां हैगियां ने जिन्हां नूं उन्हां दी जगह रिप्लेस किया गया कि तां एक आम हर इंसान पछाणदा है कि एक राजे दे घर जम्मिया होया बेटा उन्हूं उन्नियां चीज़ां नहीं पता हो सकदियां जिन्नियां एक गरीब दे घर जम्मे आदमी नूं पता हो सकदियां हुण तुसीं इदां ही अंदाजा तुसीं कहिंदे हो की फर्क हैगा फर्क जिस तरह हुण चन्नी हर एक थावां ते लोकां दे विच जांदा है मिलदा करदा है ते कैप्टन साहब इन्ना मिलदे सी जां नहीं ये फर्क तां अपने आप ही नज़र आ जांदा हैगा इसे तरीके नाल जिन्हां सिचुएशनां चों कोई निकलिया हुंदा तुहानूं लगदा कि सही फैसला होया मैं समझदा कि बहुत सही फैसला कीता है नवजोत सिंह सिद्धू साडा अग्रैसिव जोश ना अगे चलन वाला पार्टी का हैड बने पार्टी हो जाते इल्जाम नहीं लाते लूणा देकर याद करा के पूरा करा चाहते हैं कि आ भी करना आ भी करना आ भी करना एक चाहते हैं ना जेब च रखते एक प्लेयर खेड रहे होंगे ने एक बाहर वाकअप कर रहे होंगे ने कई होर चल तेजी ना चल अगे चल वो वाकअप साड़ी पार्टी का प्रधान कर रहा है साफ करता कि मैं आम आदमी पार्टी च नहीं चलिया हूं मेरा फाइनल है इतनी रहना मैं नवजोत सिंह सिद्धू और ने हाँ नहीं नवजोत सिंह सिद्धू कितने नहीं जाते साड़ी पार्टी रहेंगे उन्होंने माँ बाप कांग्रेसी सी इन्होंने भी कई बार कहा मैं ही नहीं कला कहती उन्होंने आप कहा कि मैं कांग्रेस में हाँ एक सवाल थोड़े बारे लेना चाहवागे 2022 लैके श्रोमणी अकाली दल ऑलमोस्ट अपने कैंडीडेट अनाउंस कर चुके हैं लहरा गागा के लोग तुम बहुत प्यार करते हैं इस बार तुम खुद चोन मैदान जा रहे हो या तुम्हारे बेटे देखो मैं जिस तरह लहरा गागा हल्के तो मैं जो चाहती तो लोगों वगू मैं भी हल्का बदल के कित ही जा सकती सी अज भी मेरे को हजारों ऑफर है मैं सीएम रही प्रधान रहने तो बाद सारा पंजाब थोड़ा हल्का बन जाता है मैं उस हल्के क्योंकि तो मेरा रिश्ता उस हल्के है दूजा सब तो पंजाब में बैकवर्ड छोटा अनडिवेलप्ड बुरी तरह नालों पछड़िया हल्का है जिदे हुण तक जिथे आप किसी घर के जां पौधे अपनी मेहनत की होंगी उन्हें फल लाना चाहते होंगे मैं उस हल्के जिन्ना काम किया एक सड़क भी नहीं सी होंदी मेरी आवाज़ उतों ही खराब हुई भी है सारी कच्चे राहां ते तुरदे सी मैं उत्थे कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके सड़क बना के जिथे कहने से अनपढ़ां दा हलका है 7 कॉलेज ते इंजीनियरिंग कॉलेज बना के यूनिवर्सिटी कैंप्स बना के जिथे लंघण नूं रास्ता नहीं सी फाटकां ते मरीज बेचारे पूरे हो जांदे मैं उत्थे 7 पुलां दे नाल नाल सब डिविजन बना के अंडरग्राउंड पाइपां ला के पानी नहीं सी जांदा लोकां दे खेतां विच एक फसल हुंदी सी साडे उत्थे लोकां दी रिश्ते नहीं सी करदे कोई 27 पिंडां दे विच इह सारा कुछ करदे होए मैं उत्थे भाखड़े दे विचों मोगे लवा के लोगों को अंडरग्राउंड पाइपां नाल पानी पहली बार मैं शुरू किया है पहुँचाया मैं समझती हाँ कि अजे उत्थे कुछ काम होर बहुत होने वाले है वो पूरे करा लेकिन साडे विरोधी जिहड़ा ने कुछ आप किया नहीं हुंदा इल्जामबाजी झूठ बोलना हर एक दे उत्ते उहनूं गलत तरीके नाल पुट करना वो लॉबी ज्यादा भारू हुंदी है प्रचार करन वाली समझ आज तक नहीं दे रहा बस आखिरी सवाल है कि अज जिस तरह के कांग्रेस के हालात ने
प्रताप सिंह बाजवा ने, चाहे सुनील जाखड़ ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने, सुखजिंदर रंधावा ने, और ऐसे हालात के तुहानू की लगता है कि बेशक उपरों तुम कुछ भी एको जहा दिखाने की कोशिश करो पर अंदरों सब कुछ एको जहा तो ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे हालात के लगता कांग्रेस की तस्वीर की रहने वाली है? असी समझते हैं कि कांग्रेस के अच्छी जान है तकड़ी है, ताइया ने उम्मीदवार उभर के सामने आ रहे हैं, हर एक थावे हुए हैं। लेकिन मेरे घर से सवाल जो किया कि मैं लड़ूँ कि बेटा लड़ू, साढ़े घर से बीमारी नहीं हैगी। मेरा बेटा कहता मेरी मां लड़े, मां कहती है जो पार्टी फैसला करूँ चाहे बेटा लड़े चाहे कोई लड़े, लेकिन असं अपने परिवार लहरा छड़ना नहीं। जो फैसला मेरी हाईकमांड करूगी उस पार्टी वाले पासे साड़ी पार्टी का हुक्म असं मनांगे करांगे, लेकिन यही मैं समझती हूँ कि लहरा ही है जिन्हों मैं चाहनी हूँ कि डिवेलपमेंट करके असं होर अगे लैके जाइए। तो जितों तक आप गल की है तो स्पष्ट ही नजर आता है, साढ़े अपने सारे जानते हैं, पाली पार्टी वाले भी आके साडे नौजवान आगू बैठा बड़ा काबल मुंडा है, लेकिन पंजाब दे नाल सच्चियां गल्लां नहीं करते, पंजाब दे नाल ये करनिया पैंदियां मजबूरी हुंदी है। वो कहंदे ने कि जो कुछ पंजाब च ठीक नहीं होया असीं ठीक करना, मैं तां ही कहंदी आ वी पहला दिल्ली तां करिया आउंदे इत्थे तां के फिर कर लैंदे, दिल्ली करके हुंदे मिसाल दिखाउण लई कि आह देखो दिल्ली च असीं करदे। तुहाडा सवाल हुणे लै लांगे जी उहनां तों। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी, तुसीं समां कढ्या न्यूज़ 18 दे राइजिंग पंजाब दे मंच ते आउण दे लई बहुत बहुत धन्नवाद। ओवर टू यू अर्शदीप। थैंक यू बीबी रजिंदर कौर पठल जी, मैं तुम्हें बेनती करांगी स्टेज से ही रहो। थैंक यू नुपिंदर, थैंक यू गुरजोत। नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फेलिसिटेट आवर गेस्ट बीबी रजिंदर कौर पठल जी।